सबसे पहले जो सबसे मुख्य कारण है वो है अननेसेसरी स्ट्रेस, और स्ट्रेस के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं जैसे ही गुस्सा करना शुरू कर दूंगा और मेरी आवाज़ जो है वो नॉर्मल डेसिबल से ऊपर चली जाएगी तो सिर की नसों के ऊपर दबाव पड़ने लग जाएगा, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके सिर के अंदर दर्द इसी वजह से होता है तो उसका सबसे बेस्ट है तरीका ये। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जिस वजह से रोग हो रहा है उसी को रोकिए। जब भी गुस्सा आए तो क्या करना है, राम का नाम जपना है। मत करिए गुस्सा, ये स्ट्रेस करते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में जब चिल्लाते हैं तो सिर की नसों में दबाव पड़ रहा है ना, तो अगली बार से जब गुस्सा हो तो जैसा ब्रह्म कुमारी इसका मैं सुनता था वो क्या कहते थे, उस वक्त शांत होके आराम से ओम शब्द की ध्वनि निकालिए, भगवान राम का नाम लीजिए, आप शांत हो जाइए, वरना ये सिर की नसों को आप दबाव को नहीं रोक पाएंगे। किसी वजह से संस्कार हो जाते हैं, आदत हो जाती है, अब नहीं कंट्रोल कर पा रहे उसको तो क्या करें, उस केस में फिर औषधियाँ मदद करती हैं। औषधियाँ क्या मदद करेगी, सबसे पहले नासिया, मस्तिष्क को आराम देना है तो नाक के रास्ते, केवल दो बूंद अपनी नाक के अंदर दो बार भी दिन में डाल सकते हो, रात को सोने से पहले डाल सकते हो। इसके अंदर वो सारी औषधियाँ हैं जो जैसे ही मस्तिष्क तक जाती है तो मस्तिष्क की नसों को आराम देना शुरू हो जाती है। 99% आप जैसे ही ये नाक के अंदर डालोगे आपकी नसों को आराम मिलने लग जाएगा और आप आराम से सो जाओगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। चाहे उम्र भर डालते रहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका होने नहीं वाला और आपके सिर के दर्द में आराम देगा। इसके साथ साथ में अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो मैंने रात को डाला सिर में आराम आ गया, अगले दिन सुबह फिर बोलना शुरू हो गए, फिर सिर की नसों में दर्द हो गया, तुरंत आराम चाहिए, क्या करें, फिर दोबारा लेट जाइए, नाक में डाल लीजिए, कितनी बार डाल लीजिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसके साथ में सपोर्ट के लिए आपको मिल गया शिरो रोग नाशक तेल। ये किसने बताया, लोकेश जी है, नजफगढ़ में वैद्य है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने उनकी बहुत सारी वीडियोस में तारीफ़ करी है। शिरो रोग नाशक तेल जो है इसके अंदर वंशलोचन है, मुलेठी का सत है, कपूर के साथ में बनाया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं वंशलोचन जो है जब बांस जब निकलता है ना बांस, तो उस बांस के अंदर से जो पानी निकलता है उसके वेपर्स बनते हैं तो उसके माध्यम से वंशलोचन का क्रिएशन होता है। तो ये वंश लोशन में उन्होंने बताया कि सर ये असली वंश लोशन है जिसके साथ मैंने शिरो रोग नाशक तेल बनाया है। नॉर्मली